और भी सरकार जिस पार्टी की है उसके हिसाब से ठीक है, उसका तो एजेंडा ही यही है भाई, बचना जनता को है, वो अपना पार्टी उनका एजेंडा फेंकेगी, जनता उसकी गिरफ्त में आएगी तो नुकसान होगा। अब जातियां चिन्हित होगी, पहले ये करें कि जिनकी बात करते हैं कि वहां नॉनवेज बनता है, नॉनवेज हिंदू क्या कोई खा नहीं रहा, उसको चिन्हित कर लो भाई, कानून बना दो कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा। अब बना दो, फिर लिखने की भी जरूरत थी, जिनकी ठेकेदार वो बन रही उनको रोक ले। तो क्या कहेंगे कि अब आने वाले टाइम में तो ब्लड और बाकी सब चीजों में फिर इस तरह सब से लिखना चाहिए, फिर अनाज पे भी लिखना चाहिए कौन कहाँ से आया, वो उसके जातियों के हिसाब से फिर वो खरीद करेगा। ये तो जो पार्टी है ये तोड़फोड़ की, कैसे समाज टूटेगा उसकी बात करते हैं। और मुजफ्फरनगर में ट्रायल होगा ही नहीं, पहले मुजफ्फरनगर के लोगों ने झेल लिया पूरा, और यहाँ के लोग भी आप लिखवा दो, यहाँ कुछ नहीं, सरकार का आदेश है भाई अपना। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड वालों ने भी कर दिया है भाई, सब इन्हीं के तो वो है ने? ये तो करेंगे, इसका इफेक्ट इंटरनेशनल उस पर पड़ता है। हमारा जो व्यापार है वो गल्फ कंट्री में है, इसका इफेक्ट वहाँ पे पड़ेगा। सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं, पास्ट में लिख देते हैं, वो वहाँ पे कैसे उसकी खुदाई कर रहा, मुसलमान ही तो खुदाई करता है पाकिस्तान में, सेंधा नमक यहाँ पे फास्ट में इस्तेमाल होता है, हिंदू का जो फास्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है, हम भी सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, आता पाकिस्तान से, करो बहिष्कार उसका, क्यों नहीं करते। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये चीज होनी इसलिए जरूरी है कि अरे वे सेंधा नमक का बहिष्कार करो ना, कि हमें का पाकिस्तानी नमक नहीं खाना, बड़ा नमक उनका खा रहे हो, क्या को हिंदू की खदान थोड़ा है पाकिस्तान में, वो लोहरी नमक उसको बोलते हैं, वन से आता है, मुसलमान उसकी खुदाई करता है, उसके हाथ का नमक खा रहे हो, करो बहिष्कार, हमको खाना नहीं, हमको इनका कहना है कि खाली मुसलमानों के लिए नहीं, जो सब ढाबों के लिए है, चाहे जितने भी हैं, सब लोग बदलते हैं। चलो कर ले, सारे उनके ढाबों पर सारे यही खाते पावे, ये जो नए हिंदू बने हैं ना, ये सब खा रहे उन्हीं के वहीं पे ही, इनकी चिन्हित कर लो। और बीजेपी वाले लोग ये एफिडेविट दे दो कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, उनसे एफिडेविट ले लो, और फिर वे लागू करें, फिर कानून पास करें बिल्कुल, लेकिन पहले उनको एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप सहारनपुर आए हैं, किस तरह की यहाँ हमारी मीटिंग है, और 9 तारीख का प्रोग्राम है, जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर से आएंगे लोग 9 अगस्त का, उसकी तैयारी है, संगठन को अपने मजबूत रखो, जातिवाद के इसमें झंझट में ना पड़ो, अपने काम धंधों पर ध्यान दो, अपने रोजगार पर ध्यान दो, सरकारें पॉलिसी बनाएगी उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपना काम करता रहे ना। अब की बात जो इन्हें पॉलिसी लेकर आ रहे ना, हिंदू मुस्लिम लड़ेगा, खूब ट्राई करो, ये लड़ेगा ही नहीं, दिया दो जवाब यहाँ पे भाई, चुनाव में जवाब ही तो दिया उनको, क्या दिया, ये सब जवाब दिया, अब और जगह भी चुनाव होंगे, वहाँ पर भी जनता जवाब देगी, साइलेंट जवाब देगी। तो आपका कहना है कि ये यही कारण रहा, बिल्कुल कारण रहा।